लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आज सिविल लाइन थाना में सैकड़ों जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर सिविल लाइन थाना प्रभारी कलीम खान को भूपेश बघेल के विरुद्ध FIR दर्ज कराने का ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अमित जोगी की माता रेणु जोगी के खिलाफ सार्वजनिक बयान की, मैं उनसे अकेले में मिला हूं, अमित जोगी से पूछो वो अकेले हुई मुलाकात सार्वजनिक करूं क्या। इसको लेकर जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि समस्त छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों और नारी शक्ति का अपमान हुआ है, इसे लेकर आंदोलन होगा। रेणु जोगी समाज सेविका और कोटा विधायक के बारे में ऐसी अमर्यादित टिप्पणी से समस्त महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंची है। इसको लेकर बिलासपुर से लेकर रायपुर तक आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने में प्रमुख रूप से विशंबर गुल्हारे, ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी, मालिक राम डहरिया, विक्रांत तिवारी, के निर्णेजक सहित 100 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।